अफगानिस्तान में तालिबान की जीत ने पूरी दुनिया को एक नया मंजर दिखाया है, जिसमें एक आतंकी संगठन ने एक साथ पूरे देश को हाईजैक कर उस पर अपने मन मुताबिक नियम और कानूनों को लागू कर रहा है। कुछ यही हाल हो चुका है अफगानिस्तान में फंसे लोगों का, जो किसी भी हाल में तालिबानियों की हुकूमत से बचकर भागना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा अफगानिस्तान में रहने वाले उन अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का आता है, जिसके लिए भारत की सरकार ने बिल तो पारित किया लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों है ये मुद्दा इतना बड़ा जिस पर केंद्र सरकार को बिल लाना पड़ गया। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के लोग पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, लेकिन आज के वक्त में वो सभी वहाँ अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। इसके लिए उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और मना करने पर उन्हें मार दिया गया, जिसके बाद 2019 में केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ एक बिल पेश किया, जिसके तहत दुनिया भर में मौजूद अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत में लाकर बसाया जाएगा। लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक अफगानिस्तान में मौजूद हिंदू परिवारों की सुरक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही UNHRC ने भी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है, जिस वजह से उन पर लगातार तालिबान के कड़े कानूनों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत काबिज होने की वजह से वहां के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता और अधिकारी देश छोड़कर भाग गए हैं। इसी के बाद तालिबान ने वहां सभी चीजों को अपने काबू में ले लिया है। अगर हम तालिबान के 20 साल पुराने इतिहास को देखकर अंदाजा लगाएं तो तालिबान की विचारधारा मूर्ति पूजन करने वालों के खिलाफ ही रही है, जिसमें मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा जाना, दूसरे धर्मों को मिटाना और महिलाओं पर बंदिशों को लगाना शामिल है। वहीं अगर हम उनके नियम और कायदों की बात करें तो पूरा तालिबान कट्टरवाद और चरमपंथी विचारधारा के समर्थन में नजर आता है। तालिबानी खतरे को समझते हुए भारत समेत सभी देशों की सरकारें अफगानिस्तान में मौजूद अपने लोगों को वहां से निकालने में जुट गई है, लेकिन वहां पहले से बसे हुए उन हिंदू परिवारों का क्या होगा, जिनको तालिबान हमेशा अपनी क्रूरता का शिकार बनाता आया है। वहीं अगर देखा जाए तो UNHRC जब रोहिंग्या मुसलमानों को रेफ्यूजी करार देकर भारत में बसा सकता है, तो अफगानिस्तान के हिंदुओं को इस कैटेगरी में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा, जिस पर अब ये सवाल उठता है कि क्या भारतीय सरकार की कूटनीतिक विफलता के चलते यूं लगातार हिंदुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी जानकारी के लिए जुड़े रहिए मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।